वरना आदमी सोचता है कि जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी को उसी के आगे बढ़ते रहो, ये कोई बात नहीं। इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। मान लीजिए एक किया, सपोज इसमें उतना उतना रिजल्ट नहीं आया, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई, हिंदुस्तान की बहुत नायाब चीज़ है ना, आप बरसों से आप सुनते आए होंगे पुरानी फिल्मों में फिल्मी गज़ल या प्राइवेट एल्बम की गज़लें जो गुलाम अली जगजीत सिंह और न जाने कितने लोगों ने गाया। तो कोशिश करना चाहिए इंसान को, अपना जो ट्रेंड है, अपने सभ्यता है हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, वो एकदम से हम क्यों उसको खोने दें। ठीक है, हम फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। पब्लिक जो आज के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, उनको जो मिलता है वो सुनते हैं, हो सकता है ये उनको पसंद आए तो फिर क्रेज बनेगा तो फिर बाकी लोग भी बनाना चालू करेंगे, ऐसे ही होता है ना धीरे धीरे। प्रिया, आप प्रिविलेज्ड हैं गाने का, आपके सब बजे हैं, हैड अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कैलाश सर का कि इतने बड़े बैनर के नीचे अंडर मुझे काम करने का मौका मिला। सेकेंडली सब सर जैसे बहुत सब सीनियर है, फॉर उनके बराबर मैं नहीं हूँ, लाइक आई एम अ फ्रेशर फॉर इट, बट फिर भी जो सर ने इतनी बढ़िया कंपोज किया है, मैथिली ने बहुत अच्छा उसे गाया है, वो शब्द समझ के एज अ यूथ वो समझ के उसको परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी फॉर मी टू कोरियोग्राफ इट एंड टू परफॉर्म इट, वो सब समझ के करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी आई होप सर कि जो जो प्रोमो देखा मैंने उसमें आपका एक ही शॉट आता है, वाज वेरी इंप्रेसिव। ओह थैंक यू, अभी पूरा देखेंगे हम लोग। यस यस श्योर, तो बस यही बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी सर। वाकई मतलब चूज़ किया आपने? जी बहुत कम इस तरह के टैलेंट होते हैं भारत में जैसी मैथिली, जो गायिका भी है, कंपोज़र भी है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, और ये जन्मी भारत में है लेकिन पली बड़ी साउथ अफ्रीका में है। फिर KEPL यानी हमारी जो खोज है कैलाशा की, इसको वहाँ से हम लोग फिर से इंपोर्ट कर लिया हमने, और इंपोर्ट करके अभी यहाँ इसकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग चल रही थी कि अचानक इसने हमको एक अच्छा सा सरप्राइज़ दिया ये सुनाकर, तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कैलाशा रिकॉर्ड से ये एक अच्छा सा वीडियो बना के। वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि हमको बाहर से ज़्यादा हीरो हीरोइन ढूंढने नहीं पड़े, खुद ही ये हीरोइन भी है भगवान की दया से, और हमारे टीम के ही हिस्सा हैं अभिनय, नाम भी अभिनय है, और बहुत ही गजब अभिनय ने अभिनय किया भी है इस एल्बम में। और ज़्यादातर लोग जो मैरिड लोग होते हैं वो थोड़े बहुत दुखी होते हैं, थोड़े सुखी भी होते हैं हर एक सांस से, तो ये इस एल्बम का नाम ही हर एक सांस है, सांस नहीं, दुखी सांस से होते हैं लेकिन सांस है ही हर एक सांस। आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, ब्यूटीफुल रही है, एंड बीइंग इन यू नो नाउ फीचरिंग सिंगिंग कंपोजिशन म्यूजिक, टेल अस ऑल अबाउट इट। सो एज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर कैलाश जी'स प्रेजेंस टुडे। इट हैज ही इज एक्चुअली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वे ही एक्चुअली केम इनटू माय लाइफ, आई वुड कॉल इट डिवाइन इंटरवेंशन। I first began my journey, one of my very first live performances were one of his songs. So I had tried to sing one of his songs and this was way back in South Africa. And uske baad mujhe ye nahi pata tha ki I will meet him, first of all meet him and then he will, you know, bring me into this family, Kailasa family. And I am just, yeah, I will always be grateful to him for, of course, choosing this song and yeah, I feel a part of this family. So thank you so much, sir. This song, like all the other music in my life, has been destiny driven. It was written for me, very beautifully written for me and composed for me. And we then did a lot of the arrangement and production in South Africa. And then we came here and of course, sir liked it. And we then took the process forward.
सो ये बेसिकली हमने सितंबर में शूट किया था और पूरा हमने एक दिन में कंप्लीट किया था ये शूट, और बहुत हेक्टिक था। मैथिली भी पहली बार एक्टिंग कर रही थी और प्रिया ने बहुत अच्छा डांस किया इसमें क्लासिकल। सो ये सो इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ, देन उसका बाद में पोस्ट प्रोडक्शन ये तो फाइनली आज रिलीज हुआ यूट्यूब। आप सबको एक बात और बतानी है हमको कि कैलाशा की इस बार जो एल्बम आ रही है उसका साउंड थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि हमारी सांसें जो हैं, हर एक सांस जैसा ये बता रही हैं, वो अलग होती है। जो पिछली थी वो अगली उससे एकदम अलग होती है। तो सांसें अलग हैं, समय अलग है, टाइमिंग चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, साउंड सेंसिबिलिटीज़ लोगों की बदल गई है। अभी शोर में ज़्यादा जी रहा है मनुष्य, पोल्यूशन में ज़्यादा जी रहा है, तो ऐसे में जो बाकी सेंसिबिलिटीज़ हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बदलती हैं। उसमें भी प्योरिटी को कैसे लाना है, उसमें भी फ्रिक्वेंसीज़ को कैसे मेंटेन रखना है, तो ऐसा कैलाशा का इस बार ये एल्बम आने वाला है। तो वॉच आउट फॉर दैट गाइस। वी हैप्पी फॉर Maithili, आई नोन हर फैमिली फॉर मेनी इयर्स, वी हैव परफॉर्म्ड, हर डैड इज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर हु हैड कॉल्ड अस टू जोबर्ग वंस ट्वाइस, एंड आई नो हिम रियली वेल, एंड आई सॉ Maithili ग्रोइंग अप एक्चुअली, यू नो शी इज रियली स्मॉल व्हेन वी फर्स्ट वेंट देयर, एंड नाउ शी इज गॉट अ करियर एज अ सिंगर एंड शी इज विद आवर कैलाशा रिकॉर्ड्स। इट्स जस्ट आई एम रियली हैप्पी, सो आई हैड टू बी हियर, यू नो, व्हाटएवर काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट आई कुड गिव एंड थिंग्स दैट, सो मेरी फैमिली की तरह है, फैमिली है एक्चुअली, बिकॉज उसको इतने छोटी थी तब से जानता हूँ, और मैं जब सारेगामा जीता उसके बाद उनके फादर जो मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, हम जॉबर गए थे और वहाँ पे शोज हुआ, तब Maithili से पहली बार मिला हूँ, तो वहीं से उनका जो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइन थी तब से, और आज इस मुकाम पे हैं कि वो इतना अच्छा कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो पहला गज़ल उन्होंने उनका डेब्यू है, उनका शुरुआत ही इतना अच्छा है कि हर एक सांस कयामत है क्या किया जाए, इसी का नाम मोहब्बत है क्या किया जाए। तो ये कंपोज करने से पहले ये जो दो लाइनें हैं जो इसरा अंसारी जी ने लिखा है, तो उसी से बहुत एक अच्छा लगने लगता है, जो म्यूज़िकली मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो जो ये गाने को सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह इनको कंपोज किया गया है और लिरिक्स तो कमाल है।